नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी का एंड्रॉइड ऐप आ चुका है, उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। दो दिन पहले ही सावरकर और महात्मा गांधी पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहे राजनाथ सिंह ने अब इंदिरा गांधी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने न केवल वर्षों तक देश का नेतृत्व किया बल्कि उन्होंने युद्ध के समय में भी नेतृत्व किया। बीजेपी और उसके मातृ संगठन RSS के नेताओं द्वारा कांग्रेस के ऐसे किसी नेतृत्व की तारीफ अनपेक्षित लगती है। खासकर मौजूदा दौर में तो ये बयान इसलिए चौंकाने वाला लगता है क्योंकि बीजेपी और RSS कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते रहे हैं। बीजेपी में साइडलाइन किए जा चुके वरुण गांधी ने अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक पुराना भाषण ट्वीट कर सरकार को निशाने पर लिया है। इस भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी किसान आंदोलन के खिलाफ सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। इस भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, दमन के तरीके को छोड़ दीजिए, डराने की कोशिश मत करिए, किसान डरने वाला नहीं है। हम किसानों के आंदोलन का इस्तेमाल राजनीति के लिए करना नहीं चाहते, लेकिन हम किसानों की उचित मांग का समर्थन करते हैं और अगर सरकार दमन करेगी, कानून का दुरुपयोग करेगी, शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाने का प्रयास करेगी तो किसानों के आंदोलन में हम कूदने में संकोच नहीं करेंगे, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। बता दें, वरुण गांधी किसानों के पक्ष में लगातार बोल रहे हैं। इसका खामियाजा उनको बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी लिस्ट से बाहर होकर भुगतना भी पड़ा है। केंद्र सरकार की एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB और महाराष्ट्र सरकार के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। इसमें गुरुवार को एक नाटकीय मोड़ आया जब सत्तारूढ़ दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक ने NCB पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस केंद्रीय एजेंसी ने उनके दामाद समीर खान और दूसरे दो लोगों को इस साल जनवरी में एक झूठे मामले में फंसा दिया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को दो तस्वीरें दिखाईं और कहा कि ड्रग्स बरामदगी की जिस जगह को NCB ने उनके साले का आवास बताया, दरअसल वो NCB का दफ्तर है। उन्होंने पहले इस तस्वीर को दिखाया जिसके बारे में NCB का कहना है कि वह ड्रग्स बरामदगी की जगह है। उसके बाद उन्होंने फर्श और कुर्सियों की तस्वीर दिखाई जिससे लगता है कि वह NCB का दफ्तर है। इससे ये लगता है कि ड्रग्स की बरामदगी NCB के दफ्तर में हुई। NCP नेता नवाब मलिक ने NCB पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 200 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया, लेकिन केमिकल एनालाइजर रिपोर्ट में पाया गया कि वह हर्बल टोबैको यानी एक खास किस्म का तंबाकू है जो प्रतिबंधित नहीं है। उन्होंने कहा, यह वाकई चौंकाने वाला है कि NCB के लोगों को तंबाकू और गांजा में अंतर नहीं मालूम है। मलिक ने कहा कि NCB के लोगों के पास किट होता है जिससे तुरंत ये पता चल जाता है कि बरामद की गई चीज ड्रग्स है या नहीं। इसके बावजूद ये लोग नहीं समझ पाए कि बरामद की गई वस्तु नारकोटिक्स है या नहीं। ये लोगों को झूठे मामलों में फंसाने का साफ केस है और मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूँ कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। बीते सितंबर महीने में भारत का व्यापार घाटा बढ़कर 22.59 अरब डॉलर हो गया है, जो कि पिछले 14 सालों में सबसे अधिक है। व्यापार घाटा बढ़ने का साफ अर्थ यह है कि भारत ने विदेशों से आयात अधिक किया है, निर्यात कम किया है। सितंबर महीने में भारत का निर्यात 21.44% बढ़कर 54.06 अरब डॉलर हुआ, जबकि आयात में 70% की वृद्धि हुई और ये 68.49 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल 40.29 अरब डॉलर था। आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिल पाई है। सुनवाई के बाद आदेश को 20 अक्टूबर के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली सुनवाई बुधवार को होगी और उसी दौरान आगे जमानत पर फैसला होगा। सुनवाई के दौरान एक बार फिर से आर्यन के वकील ने वही बातें कही कि उनके क्लाइंट के पास से कुछ भी नहीं मिला है, ये जमानत के लिए एकदम फिट केस है। वकील अमित देसाई ने कहा कि आर्यन पर कुछ पाबंदियां लगाकर आप जमानत दे सकते हैं। हालांकि NCB की ओर से व्हाट्सएप चैट के हवाले से कहा गया कि आर्यन का संबंध विदेश में रहने वाले ड्रग पेडलर से है, इसलिए जांच जरूरी है। वहीं आर्यन के वकील ने कहा कि अगर व्हाट्सएप चैट का मामला है तो आप चैट रख सकते हैं, लेकिन आर्यन की आज़ादी को क्यों खत्म कर रहे हैं? आप जमानत देने के बाद भी जाँच जारी रख सकते हैं। आर्यन का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो बाहर जाकर जाँच को बाधित करेंगे। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचलने के मामले में गिरफ्तार किए गए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आज SIT घटना स्थल पर लेकर गई और 3 अक्टूबर के क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करवाया। इस दौरान पुलिस ने किसानों को कुचलने के लिए पुतलों का इस्तेमाल किया। पुलिस बाकी आरोपियों को भी वहां लेकर गई थी, जिसमें अंकित दास भी शामिल था, जिसको पुलिस ने 3 दिन की रिमांड में लिया है। अंकित दास को थार के पीछे चल रही फॉर्चूनर में सवार बताया जा रहा है।
शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए रावण के संदर्भ में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जोड़ते हुए कहा कि एक पेट्रोल डीजल के दानव को जलाने की प्रक्रिया कल यानी दशहरे से शुरू होगी और वर्ष 2024 में दानव पूरी तरह से जला देंगे। बता दें 2024 में महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। हरियाणा में होने वाले चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पार्टी के आंतरिक बैठक में कहा कि भाजपा केवल प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर तीसरी बार हरियाणा जीतने पर निर्भर नहीं रह सकती है। बैठक के एक वीडियो में योजना और कॉरपोरेट मामलों के कनिष्ठ मंत्री कहते हुए दिखते हैं कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हम पर है, हमारे राज्य पर है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि उनके नाम से ही हमें वोट मिलेगा। ये हमारी कोशिश होगी कि मतदाता मोदी के नाम पर मतदान करें, लेकिन ये भाजपा कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है कि वो सुनिश्चित करें कि वो वोट डालें। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले भाजपा नेता हर्षवर्धन पाटिल ने चुटकी लेते हुए कहा कि उन्हें भगवा पार्टी में आने के बाद से अच्छी नींद आ रही है क्योंकि कोई जांच और पूछताछ नहीं है कि उस दिन। बता दें पाटिल की टिप्पणी शरद पवार की टिप्पणी के उस दिन आई है जब पवार ने कहा कि केंद्र सरकार CBI, ED, NCB जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। पुणे जिले के इंदापुर के पूर्व विधायक पाटिल ने 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हो गए थे। केंद्र द्वारा पंजाब सहित कुछ राज्यों में BSF के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाए जाने के कदम के पीछे पंजाब कैबिनेट मंत्री परगट सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की भूमिका होने का आरोप लगाया। परगट सिंह ने कहा कि अमरिंदर BJP के साथ मिले हुए हैं। परगट ने कहा कि राज्य को अशांत राज्य घोषित करके यहाँ राज्यपाल शासन लगाने की कोशिश की जा रही है। परगट सिंह ने कहा कि कैप्टन साहब क्या साबित करना चाह रहे हैं, मैंने हमेशा कहा कि वह भाजपा के साथ हैं। पहले जब वह दिल्ली गए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले तो धान खरीद में 10 दिन की देरी हुई और अब जब वह फिर से दिल्ली गए तो BSF का अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिया गया। उन्होंने आगे कहा कि कैप्टन साहब कृपया ऐसा ना करें, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं लेकिन इतने नीचे ना जाएं। पेट्रोल और डीजल की बड़ी कीमतों से आम आदमी पहले से ही बुरी तरह से परेशान है। इस बीच आज एक बार फिर तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमतों में 34 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110.75 रुपये हो गई है और डीजल की कीमत में 37 पैसे प्रति लीटर बढ़ाए गए हैं, जिससे मुंबई में 1 लीटर डीजल की कीमत 101.40 रुपये प्रति लीटर है। वहीं दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 104.79 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.52 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यही हाल कोलकाता का भी है। कोलकाता में भी लोगों को 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105.43 रुपये देने पड़ रहे हैं और 1 लीटर डीजल के लिए 96.63 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।